साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले तो तमाम उन युवा साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मुहिम में न केवल साथ दिया जबकि भाग लेकर इस मुहिम को एक ऊंचाइयों तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों 28 तारीख को जयपुर में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में 12 में प्रदर्शन हुआ, बाड़मेर में हुआ, सूरतगढ़ में हुआ और साथियों आज कोटा जिले में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में भाग लेने वाले तमाम उन कोचिंग संचालकों, लाइब्रेरियन और हमारे पीड़ित भाई बहनों का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथियों लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। सबसे पहले इन कोचिंगों के खिलाफ जंग जारी करने का मैंने एक कोशिश की थी और उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन साथियों अब क्या हो रहा है कि अभी तो जोधपुर जिला, अभी तो पुणे जयपुर जिला, अभी तो सीकर जिला, अभी तो चूरू जिला, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। अगर ये चाहे ना तो साथियों एक धमाका और हो सकता है। देखिए इन तक बात तो पहुंच गई और इनकी टीमें लग तो गई कि हनुमान कौन सा वीडियो डाल रहा है, हनुमान कम्युनिटी में क्या डाल रहा है, ये सब पर इनकी निगाहें हैं। तभी तो जो साथी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब वाले, उन साथियों के जीमेल से धमकियां आना शुरू हो गई या फिर चैनल को बंद करवाने के लिए कॉपीराइट्स वगैरह और क्लेम वगैरह आने शुरू हो गए। कुछ तो गड़बड़ है साथियों। लेकिन अब युवा, अब पानी हमारे सिर से ऊपर चला गया, अपन सहन नहीं करेंगे। साथियों मैंने ओपनली बोला है कि मेरे यूट्यूब को उड़ा दो, ट्विटर को उड़ा दो, टेलीग्राम को उड़ा दो, मुझे भी उड़ा दो। लेकिन रहूंगा तो मैं मांग उठाऊंगा, जब तक रहूंगा तो भाई मैं मांग उठाऊंगा। अगर आप सही हो, गुरु गुरु की गरिमा समझते हो तो साथ दे दो। जब आप इतना जोर लगा रहे हो, हम तो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है, जब बड़ी बड़ी कोचिंगों के यूट्यूब चैनल एक हो जाते हैं ना तो रोने लग जाते हैं लाइव आकर, और हमारे तो छोटा सा चैनल है और उसको उड़ा दो कोई फर्क नहीं है। जब हमारी भर्तियों को तुम उड़ा रहे हो तो चैनल को भी उड़ा दो। लेकिन मैं एक चेतावनी दे रहा हूं कि समय रहते साथ दे दो, वरना जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना ये खाली रहेगी, इनमें पढ़ने वाला कोई नहीं आएगा। अब हम समझने लग गए नहीं आएगा पढ़ने वाला। और तमाम उन युवा साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सोचना कि मेरे 15,000 लोग जुड़े हुए थे उससे इतना बड़ा धमाका हो गया कि उन लोगों तक बात पहुंच गई, उनको फर्क पड़ रहा है। और फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि माहौल बन रहा है साथियों। एक जो मेरे पैरों में जो छाले थे ना वो असर कर रहे हैं, वो मेरी 3-4 दिन की जो भागा दौड़ी थी वो असर कर रही है। आज कोटा में देख लिया, कल चोमू में देखना, धमाका होगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन साथियों लड़ना तो पड़ेगा, वरना नेताओं के भरोसे, आप बोलते थे ना बीजेपी पक्ष में आ गई, आ पार्टी आ गई, शांत हो गए सब, उनकी वजह से ये मुद्दा कब का ही पूरा शांत हो चुका है। लेकिन साथियों जितनी हिम्मत होगी लड़ेंगे, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से लड़ेंगे। आज तमाम, मैंने आज तक कभी नहीं कहा लेकिन आज मैंने नोटिस किया है, क्योंकि वो उन न्यूज चैनल को जहां पर उनका वीडियो डला हुआ था वहां से तक डिलीट करवा दिया, क्योंकि सर पैसे पैसे पावर आर्थिक सब तरीके की ताकत है, जेक हो पैसा हो हर तरीके की ताकत उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। एक हाथ में मोबाइल पकड़कर वीडियो डाल देते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और आप साथ देते हो तो वो मुहिम काम आ रही है। अगर असर नहीं होती तो साथियों मैं आज ये इतनी बड़ी बात नहीं बोलता। कल चोमू में प्रदर्शन है, आप लोग साथ दोगे, चोरू वालों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। सिकर वालों को करना पड़ेगा, नहीं किया ना तो हम समझ जाएंगे कि क्या कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और साथियों आप भगवान पर भरोसा रखिए, ईमानदारी पर भरोसा रखिए, जब बड़ी बड़ी सरकारें ध्वस्त हो जाती है तो ये बिल्डिंगें तो बन गई लेकिन ये बिल्डिंगों में कागले भी नहीं बैठेंगे, ये बिल्डिंगें खाली रहेगी जब एहसास होगा। साथियों जो गरिमा इंसान इतने सालों में कमाता है ना, खोने में टाइम नहीं लगता। हमारा साथ दोगे, हम दिलों में जगह देंगे, हम डीपिया लगाएंगे, हम हमारा जन्मदिन मनाए नहीं मनाए लेकिन उन तमाम गुरुजनों का जन्मदिन मनाएंगे, उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करेंगे, भगवान के स्वरूप दर्जा देंगे। आज भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे पास जो मेल भेज रहे हो, मेरे को जो धमकियां दे रहे हो, इनसे अच्छा है आप साथ दो। धमकियों से डरना होता तो मैं आगे आता ही नहीं, अगर मैं आगे आया हूं तो मैं इन सब चीजों को दरकिनार करके आया हूं। और उन तमाम युवा साथियों से जो लाइब्रेरी में बैठे देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं ना, साथियों मेरे से जलने से अच्छा है कि आप साथ दो। 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, उससे उन लोगों पर असर पड़ रहा है, तो आप सोचिए अगर आप लोग साथ देते हो तो उन लोगों को लंका लगा दूंगा, बता रहा हूं।
बेरोजगारों का साथ नहीं दिया तो लंका लगा देंगे हम सारे बेरोजगार मिलकर, लेकिन बेरोजगारों आपको साथ देना पड़ेगा। ये आवाज तमाम उन साथियों तक पहुंचनी चाहिए। आज अगर ये बात चोमू में बैठे हुए 10-20 जनों के पास भी पहुंचेगी ना, 10-20 जने ज्यादा आएंगे। कोटा वालों के पास पहुंचोगी, कोटा वाला ज्यादा आएंगे। सूरतगढ़ में जो प्रदर्शन हुआ, बाड़मेर में हुआ, मैं उन तमाम गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ और हम आपके ऋणी रहेंगे जो आपने हमारे संकट में साथ दिया और गुरु की गरिमा कुटुंब को आपने बचाया। आज पहली बार आप तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को ना केवल शेयर करें जबकि सब्सक्राइब भी करें। और साथियों अपने तमाम साथियों को, 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, एक भाई बहन एक को भी जोड़ता है तो 30,000 हो जाएंगे और 30,000 होते ही इन लोगों के कानों में, क्योंकि इनको ये है कि छोटा चैनल है तो इनको दबा देते हैं, अभी बंद करवा देते हैं, क्योंकि अगर ये आगे आ गए ना तो साथियों बराबर में खड़े होकर हमारे टेबल पर आकर बजाएंगे। जब कल फिर प्रदर्शन होगा, कल फिर अन्याय होगा तो मैं तो फिर इनको बोलूंगा। आप सीबीआई जांच की बात करते हो ना, तो सीबीआई जांच ये चाहे तो क्या नहीं करवा सकते। अरबों रुपए करोड़ों रुपए इनके पास है, एडवोकेट इनके जानकार है, हर चीज ये समझते हैं हमारे से ज्यादा। मैं तो ये कहूंगा कि टीचर लोग खुद आ गया है, कोचिंग वाले खुद आ गया है और मिलजुल कर सीबीआई जांच लगाए। मैं तैयार हूं, मेरे नाम से सीबीआई जांच जो लगाना चाहता है लगाने के लिए मैं तैयार हूं और फरवरी के बाद में दिन रात लड़ने के लिए भी तैयार हूं। मेरे नाम से लगाइए, जो कुछ होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप आगे आप लगाओ ना, आप ज्यादा समझते हो, आपके पास आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो, आप लगाओ आके, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च कर सकूं। आप आओ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और मुझे इतना भरोसा है इस बार पूरे प्रूफ है, और इस बार यदि कोई कोर्ट से लड़ेंगे ना जीत भी मिलेगी। लेकिन मैं एक बार इन कोचिंग वालों से तो समेट लूं, इन कोचिंग वालों से तो लड़ लूं, ये शुरुआत की थी ना तो मैं डरूंगा नहीं। एक बार पुनः उन साथियों को बोल रहा हूं जिन साथियों के पास मेल आई है, स्ट्राइक आई है, कोई बात नहीं है, दोबारा बन जाएगा, हर चीज दोबारा बन जाएगी, विश्वास रखना इस भाई के ऊपर। आपके पास एक स्ट्राइक एक मेल आने से यदि आप डर गए ना तो उनको लगेगा अब ये अकेला पड़ गया और अब उनके सारे वार मेरे ऊपर आएंगे। मैं तैयार हूं, आप लोग लाइब्रेरी में बैठे बैठे इस आंदोलन में योगदान दीजिए। अगर आप लोग आ सकते हो, आपके आसपास पहले जयपुर नहीं आए कोई बात नहीं, आपके जिले में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें अगर आ सकते हो तो उसमें भाग लीजिए, नहीं आ सकते हो तो सोशल मीडिया पर इसी चैनल पर जो चीजें जुड़ी हुई है उनको शेयर कीजिए, उनको लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम बेरोजगारों का कुटुंब बच सके और हमारी जीत हो सके। अगर वो लोग वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं तो उनको प्रदर्शन करना भी पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है जब वो लोग सड़कों पर मिलेंगे। याद रखना हनुमान किसान की एक बात, वो कितने ही बड़े हो, कितने ही पैसे हो, कितनी ताकत हो, अगर रहे ना तो उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो अब सिर से ऊपर चला गया, उसमें साथ देना पड़ेगा। याद कीजिए मुकेश पंचोली सर छाती ठोक के हमारे साथ है, क्यों? क्योंकि अंदर से साथियों युवाओं के लिए एक दर्द को फील किया है। बाड़मेर के तमाम उन टीचर साथ है, और भी टीचरों को साथ देना पड़ेगा, अरे चाहे दिखावे के लिए साथ आना पड़े, आना पड़ेगा। अब बात बहुत बड़ी हो गई है, आरपीएससी चेयरमैन ने नाम कैसे ले लिया कोचिंगों का, आप साथ दो, ये उनका साथ दे रहे हैं जिनका हम विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर है। 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, आज पहली बार बोल रहा हूं कि शेयर करना है, उन तमाम साथियों को जोड़ना है ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि फॉलोवर्स की इनकी ताकत आप हमें मत दिखाइए। आप हमारा साथ देते ना तो हम प्यार देते, साथ अभी भी मौका है, मैं तो आज भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि हमारा साथ दे दो, हम भगवान के स्वरूप दर्जा देंगे, और यदि साथ नहीं दिया तो फिर लंका तो लगाएंगे। खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं, लंका लगाएंगे, चैनल डिलीट करवाना है करवा दीजिए, जो करना है करवा दीजिए, रहे इस कुटुंब में रहे, बेरोजगारी में रहे तो साथ देंगे और लड़ेंगे, जो गलत होगा उसका ओपनली विरोध करूंगा। बाकी तमाम साथी डरे नहीं, कोई भी मेल से नहीं डरे, कोई भी स्ट्राइक से नहीं डरे। बाकी तमाम जो साथी देख रहे हैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम इस योगदान में अपना हिस्सा लेकर योगदान कर दीजिए, वरना रोते रहोगे। कल अगर मैं भी चुप हो गया ना तो फिर रोते रहना, कोई नहीं कहेगा कि पेपर आउट हुआ, दो दिन बाद चली बंद हो गया, न्यूज़पेपर में आना बंद, खबरों में आना बंद, जो न्यूज चैनल वाले उनकी खबर डाल रहे थे वो डिलीट कर रहे हैं, सोचो डिलीट कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, हमारा कोई नहीं है। बेरोजगार सड़कों पर होता है, कोई नहीं होता सड़कों पर होता है बेरोजगार, कोई सगा नहीं है। अगर तुम लोग मेरा भी साथ नहीं दोगे ना तो तुम्हें सपने आएंगे, मेरी बातें याद करके सपने आएंगे, मेरा चैनल एक स्ट्राइक लग गई मुझे कत्ता ही फर्क नहीं है,
लेकिन साथियों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि साथ देना चाहिए? ये जो आवाज है उसको बुलंद करना चाहिए। कल चौमू में धमाका होगा, देखना, फिर बताना कि मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही। धन्यवाद, आज तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं, जितने साथी देखेंगे, एक एक साथी दो दो साथी को जोड़ोगे तो ये 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। आज 30,000 लोगों के लिए डायरेक्ट आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि 15,000 लोग और जोड़ दीजिए, 30,000 लोग जुड़ते हैं ना, वो तुम्हारे सीकर वाले, चूरू वाले, जोधपुर वाले सड़कों पर नहीं आए ना। तो साथियों देखना, आप भी यही हो और हम भी यही हैं, लेकिन साथ देना पड़ेगा, विरोध में साथ दो, ताकि उनको लगे बिल्कुल धरातल से कि मजबूरन होकर साथ देना पड़ेगा। टेक्निकल टीमें, नए कोर्स देखिए, नए साल पर कितने धमाके हुए हैं, एक धमाका हमारे लिए कर दो, वरना हमारे लिए आप धमाका नहीं करोगे फिर हम पूरे बेरोजगार तैयार है आपके खिलाफ धमाका करने के लिए। देखते रहिए और इन लोगों को देखते रहिए, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इसके खिलाफ बोलिए, बोल नहीं सकते तो स्टेटस लगाइए और शेयर कीजिए। आज आप लोगों को खुला बोल रहा हूं साथियों, वरना आज तमाम वो YouTube चैनल वाले, उनके जो वीडियो डले हुए थे वो अपने आप स्वतः डिलीट हो गए, आपको प्रूफ तक नहीं मिलेगा। आज से 5 महीने बाद में आप याद करोगे ना हमारे साथ क्या हुआ था, उन वीडियो का प्रूफ तक नहीं मिलेगा। वो बहुत बड़े साथियों, बहुत बड़े, हम तुच्छ है, इतने से कहे कुछ नहीं कर सकते बिना सहयोग के। आज आप लोगों से मैं सहयोग मांग रहा हूँ, हेल्प मांग रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आपके तन मन और आपके आत्मा जो बोले वो कीजिए। आपके जेब से तो कुछ ले लिया नहीं आज तक, और ना साथियों मैं कुछ मांग रहा हूँ, केवल साथ मांग रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पर साथ मांग रहा हूँ, ताकि मजबूती के साथ मैं भी लड़ सकूँ पीछे की सपोर्ट देखकर। धन्यवाद।